सीन इज दैट कि हम आए हुए ड्यूलेक्स हॉलीडेज के साथ, और मुझे ना समटाइम इतना मज़ा आता है कि जब किसी का काम अच्छा लग रहा हो ना उसकी तारीफ करना, मुझे काम बड़ा मज़ा आ रहा है और बाकू एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मेरा दिल चाह रहा है मैं बस यहीं रह जाऊँ। बट आई विश ऐसा हो सकता, मैं गिर गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है वीडियो बनाने वाले की होगी। सो गाइस, सीन कुछ ऐसे थे कि हम पहुंचे अली हैदरी मार्केट पे और यहाँ पे हमें जो है 3 घंटे वापस से मिले। अब हम अंदर जाएंगे, थोड़ा सा हमें अंडरपास के थ्रू जाना था। अच्छा, मैं ना यहाँ के वेदर में इतनी खोई हुई थी, लिटरली मुझे सिर्फ वीडियोस बनाने से मतलब था और किसी चीज़ से मतलब नहीं था। मैं चाह रही थी कि मैं यहाँ के हर एक मोमेंट को, यहाँ के हर एक पल को कैद कर लूँ बाकू में, क्योंकि मेरी लाइफ में ना ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जो है ना हर अपनी चीज़ को कैद कर लूँ। सो इसलिए मैं अपने हर मोमेंट को कैद कर रही थी। फिर हम लोग इसी तरह सोचते सोचते मॉल में एंटर हो गए, चेकिंग करवाई और मॉल में चले गए। यहाँ पे एक सुपर मार्केट थी ब्रावो के नाम से, जो कि बहुत चीपेस्ट थी उनके लिए, तो वो हमें यहाँ लेकर आए। बहुत सारी स्वीट्स हमें नज़र आई जो कि मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स थे, बहुत कुछ था कि मैं शायद गिन गिन के थक जाती, बट मैं बता के भी थक जाती, बट वीडियो में कवर नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पे सेल फोन यूज़ करना अलाउड नहीं था। so फिर भी जितना कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकी मैंने कर लिया। अच्छा, ये तो मेरे काम की चीज़ें नहीं है। All right, I'm very sorry, भाई। अब यहाँ पे जितने भी सेक्शंस थे, जितनी भी चॉकलेट्स हैं, सब आपको पर केजीज़ के हिसाब से मिल जाती हैं। यहाँ पे 5 मनात से स्टार्टिंग थी, 2 ऑनवर्ड्स 30-35 मनात, और इससे ज़्यादा भी एक्सपेंसिव थी, बट इट्स डिपेंड ऑन योर पॉकेट। तो भाई हम जो है ना चूज़ कर रहे थे हमें क्या समझ में आता है, तो हमने जो ली थी वो आई गेस 6 मनात पर केजी थी, तो हमने 1 केजी ली क्योंकि मेरे तो पास लोग ही नहीं है, मेरा तो कोई है ही नहीं, तो हमारे लिए 1 केजी भी बहुत ही। बट ये कि हमने देखी सारी ज़रूर और हमें जो समझ में ही हमने वो ले ली, बट यहाँ बहुत सारी चॉकलेट्स थी। एंड आई विश कि वहाँ पे ट्राई करने का ऑप्शन होता, बट ऐसा नहीं था, नहीं था। यहाँ तो मैं आके बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, जस्ट बिकॉज ये इतनी सारी चॉकलेट्स हैं, इतनी सारी कि मैं कौन सी लूँ, जस्ट लिटरली समझ में नहीं आ रहा क्या लिया जाए और क्या नहीं लिया जाए। मेरा तो दिल चाहे मैं सब ले लूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। माय गॉड, ओके। हो गई होगी बहुत, थैंक यू सो मच। तो यहाँ बेकरी आइटम्स हैं काफ़ी सारे, बहुत सारे। बिस्किट्स वगैरह। सो गाइस, फाइनली आई बॉट अ बैग फॉर माय मॉम और इट्स सो प्रीटी एंड आई लव इट।
एंड राइट नाउ दिस वन आई एम शोइंग यू, लुक एट दिस वन। सो फाइनली अम्मी के लिए कुछ ले लिया मैंने क्योंकि उनको अच्छा लग जाए होपफुली। सो गाइज आई एम बाइंग दिस वन, दिस इज फॉर 15 मनान एंड आई लव दिस वन एज वेल, बट दिस इज समथिंग डिफरेंट सो आई एम बाइंग दिस वन। सो साथ रहे, देखते रहे। फाइनली आई डन माई शॉपिंग एंड अब जो है हम बाहर जाएंगे अपनी लोकेशन में, पहुँच चुकी हूँ, वहाँ जाके बैठ जाएंगे और टाइम पास करेंगे और कुछ नहीं करने वाले। अब कि हम अपनी लोकेशन पे आके ना बैठ चुके हैं और अब हम वेट करेंगे कि हमारा ग्रुप आ जाए और आहिस्ता आहिस्ता ना लोग आने लगे हैं। मुझे ना सामने से जो मुझे एक कपल है वो आ गया, एक मेरे बराबर में बैठे हुए, तो ये कि आई गेस अब सब जमा होना शुरू होंगे, टाइम शायद पूरा हो चुका है और फिर हम खाना खाने जाएंगे। अब देखते हैं कि इस वक्त का खाना कैसा होगा क्योंकि मुझे ना बहुत भूख लग रही, नहीं तो फिर मैंने होटल जाके चाय बनानी है, बिस्किट खाने और कुछ नहीं करना, नहीं तो मैंने फ्रूट्स खा लेने या चिप्स खाऊंगी आज क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। और आज आपकी बहन फिर से बहुत चली है और कल का तो सीन और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज इतनी मुझे ठंड लग रही है ना, तो यकीन करें कल मुझे से ज़्यादा लगनी है क्योंकि पता चले कल हम जहाँ जा रहे हैं गबाला या पता जो भी है जो भी है ना वहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ इससे ज़्यादा ठंड होने वाली है और वहाँ बारिश का भी है तो मुझे खौफ भी आ रहा है। आपको पता है आपकी बहन को सर्दी बहुत लगती है, कश्मीर की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी तो मैं। सो गाइस फाइनली ना हम बस में बैठ चुके हैं, हमारी बस आ गई है और इतनी बैंड बजी हुई है ना थकन से कि मैं कुछ नहीं बता सकती, कुछ भी नहीं। गाइस अब हम जो है ना लंच के लिए जाने लगे और आज तो चला चला के ना कसम से मार दिए बजा दिए और अब आपकी बहन से ना चला भी नहीं जा रहा, लिटरली इतनी मैं थक चुकी हूँ, सब मेरे कोई 21,000 स्टेप्स हो चुके हैं। ओ माय गॉड वेल वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस सो लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं आज क्या है क्योंकि रेस्टोरेंट का नाम तो चिल। और फिर हमें आज के दाल चावल बड़े ही मज़ेदार लगे थे क्योंकि आज माहौल भी कुछ अलग ही था, बड़ा हमने इंजॉय किया था यहाँ का पे खाना और साथ में बड़ा डांस भी देखा, डांस किया भी और साथ साथ सबसे बातें भी बहुत सारी की। अच्छा सीन कुछ ऐसा था कि आज मेरा मूड बहुत ख़राब था बाकू में क्योंकि मुझे अपने वालिदैन बहुत याद आ रहे थे, बट हमने टाइम को फिर भी गुजारा और इन मैडम साहिबा का डांस इंजॉय किया जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा था। फिर फटाफट खाना खा के हमने यहाँ से उतरने की क्योंकि यहाँ आधे से ज़्यादा लोग बाहर जा चुके थे खाना छोड़ के, उसके एक अलग ही रीज़न दे नहीं। वैसे हमने तो खाना अपना पूरा किया क्योंकि आपकी बहन को बहुत शदीद भूख लगी थी और फिर जो है हम नीचे उतरे और सबके साथ वापस होटल। बैक एट होटल गाइस, हम लोग होटल आ चुके हैं और आज जो है ना हमारे ग्रुप में एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बच्ची है जिसका बर्थडे है, तो केक बहुत यमी यहाँ पे रखा हुआ है, लुक एट दिस बच्ची बोला है। और ये है वो प्यारी सी हेजल, उनका नाम है। हेलो बेबी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी वो नींद में हो रही है वरना हमारे ग्रुप की सबसे अच्छी हंसमुख बच्ची यही थी, तो हम इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ी सी सेलिब्रेशन दिखाएंगे और फिर घोड़े खदे बेच के रूम में जाके सो।
हाँ इधर देखिएगा आप लोग, आइजल इसको दिखाएं, आइजल Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Aizel. Happy birthday to you. ये हमारी दानिश, हमें एक सुघर लड़की मिली है हमारे ग्रुप में। दानिश से पूछो क्या, दानिश से बोल रहा हूँ, डॉक्टर से पूछो क्या। 10 साल के तो हो जाओ, ये 10 लगे, 10 साल के तो हो जाओ। बाजी मैंने कहा हमें एक सुघर लड़की मिली है ग्रुप में, क्या कहती हैं आप? इसके लिए लड़का तलाश करें। मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो बुक्कर निकला, बुक्कर निकली, सॉरी। बहुत अच्छा पे तो नॉट सेम पीट के थैंक यू सो मच, अब सब सो जाए। ऑलराइट गाइस, फाइनली हियर इज अ गुड न्यूज़ कि मेरा रूम चेंज हो गया, वो आपको आइडिया हो गया होगा देखते ही। सो हियर इज माय न्यू रूम, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, कि मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी थी और कुछ लोगों का मेरे पास सामान दिए भाई, अल्लाह मियाँ भाई मेरे हाथ टूट गए, बहुत दर्द हो गया। एनीवेज एक सामान गिरा, एक तो आज मैंने सब कुछ आया ऑफर किया। सबसे पहले अपना रूम बंद करेंगे। ओके तो ये हमारे ये इन्होंने अलमारी है, ये जो है वॉशरूम है, ये आपकी बहन है, और ये मेरा बेड है, ये सिंघारवीस है, ये टी टेबल है, और ये भी है, और दिस व्यू। ओह माय गॉड, सो चेंज करेंगे, थोड़ा रूम सेट करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं।